बर्ड फ्लू यानी कि एवियन फ्लू, जिसके फैलने से लगातार पक्षियों की मौत के मामले सामने आने लगते हैं। लेकिन इसकी एक आहट से हर बार पूरा पोल्ट्री बाजार सहम जाता है। फरवरी 2021 में पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग ने राज्यसभा में बताया था कि बर्ड फ्लू के चलते 4,49,271 पोल्ट्री पक्षियों को मौत के घाट उतारा गया। वहीं इसके फैलने से सबसे ज्यादा नुकसान आंध्र प्रदेश के मुर्गी पालकों को होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में देश में उत्पादित कुल अंडों का 19.1% उत्पादन होता है। वहीं देश में 5 प्रमुख पोल्ट्री मीट उत्पादक राज्यों में भी आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। लेकिन इससे जुड़ी कई झूठी अफवाहें पोल्ट्री उद्योग को बर्बाद कर देती हैं, जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये जानने की कोशिश कम ही लोग करते हैं। इसलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बात की पोल्ट्री एक्सपर्ट से। Rukshana Parveen, Professor, Department of Pathology, Bangladesh Agricultural University. I am doing research on avian influenza virus since 2007. There is a myth or superstition, especially in South Asian country, that if people eat egg or chicken, they may suffer from bird flu, which is completely wrong. Rather, I would say the cooking process in our country facilitate complete boiling and kill almost all microorganisms. Then you need to know how the bird flu virus is transmitting. Number one, if a person touches a bird flu affected bird and immediately after touches their nose, face or mouth. Secondly, the virus can be inhaled from droplets or dust in the air. Especially when the bird flu affected bird or sick bird transported to the live bird market for sale, they generate aerosol, and this aerosol can be inhaled by the human. So the people working in a bird flu affected poultry farm or transporting those sick bird are in risk. They have to wear protective clothing, boots, goggles and masks while culling or disposing affected birds. And of course, sick bird should not be transported. There is no restriction to eat egg and chicken. It is a valuable and cheap source of protein. So eat egg every day and have delicious चिकन रेसिपीज इन योर रेगुलर मील। तो हमेशा याद रखिए, कहीं भी ऐसी खबर या अफवाह को पढ़ने या फिर किसी से सुनने के बाद उस पर यकीन बिल्कुल ना करें। और अगर यकीन हो भी रहा है तो पहले उसके बारे में खुद से रिसर्च जरूर करें। साथ ही ऐसी अफवाहों और झूठी खबरों को रीशेयर बिल्कुल ना करें। किसी पोल्ट्री एक्सपर्ट, वेटरनरी डॉक्टर और नजदीकी पशुपालन विभाग से संपर्क करें, या फिर सरकार द्वारा जारी की गई फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पर जाकर इसका पता लगाएं, क्योंकि एक झूठी अफवाह या खबर आपके लिए काफी घातक साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और जागरूक रहें। शायद इस सुनने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिल गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल या फिर ऐसी किसी अफवाह को सच मानकर आप असमंजस में पड़े हुए हैं, तो उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए आप कृषि जागरण के व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज या फिर ऑफिशियल फैक्ट चेक ईमेल आईडी पर भी लिखकर भेज सकते हैं।